हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं पालनपुर शहर में और हम घर से चल पड़े हैं। अभी हमारे गांव का नाम है ठाणा, जो कि सुजानपुर के नज़दीक पड़ता है। तो आइए आपको हम घुमाते हैं आज पालनपुर की वादियों में। दोस्तों, हम आधे रास्ते में अभी पहुंच चुके हैं, तो मेरे घर से लगभग पालनपुर की दूरी 40 से 45 किलोमीटर है, जिसे हमें तय करते कम से कम 1.5 से 2 घंटे के बीच टाइम लगेगा। और दोस्तों, जून का महीना होने के बावजूद यहाँ पे इतनी ठंड है, इतना ठंडा मौसम है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बाकी जगहों के मुकाबले यहाँ पे धर्मशाला पालमपुर का इलाका काफ़ी ठंडा है, तो आप घूमने के लिए जब भी गर्मियों में आएँ आपको बहुत ही आनंद आएगा यहाँ पे। और घूमने के लिए बहुत सारी जगह है यहाँ पे, तो हम जा रहे हैं यहाँ पे सौरभ वन विहार पालमपुर में। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं वन विहार पालमपुर के नज़दीक और हमने यहाँ पे सुअर देखे। देखो, आप देख सकते हैं झुंड में चले हुए हैं। तो ये थोड़े पालतू टाइप के होते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर इनकी बजाय जंगली सूअर होंगे तो आपको फिर ज़्यादा खतरा है। तो आइए ले चलते हैं दोस्तों आपको वन विहार पालमपुर में। हम पहुंच चुके हैं पुल के नज़दीक, तो हेलो लीजिए हम दोस्तों, आ गए हैं हम गेट आ चुके पे। हैं सौरभ वन विहार पालमपुर में। हमने यहाँ पे पार्किंग आपको में खड़ी दिखाते कर हैं दी आपका अपनी बाइक, नज़ारा इसका टिकट है 20 रुपये। गर्मी से बहुत ही। तो दोस्तों, हम गेट पे आ चुके हैं। यहाँ पे पर पर्सन 20 रुपये टिकट है, तो बहुत ही सस्ता है। आप भी आ सकते हो, कोई खर्चा नहीं है, बहुत ही कम खर्चे में आपका बढ़िया से नज़ारे देख सकते हैं आप। देखो दोस्तों, छोटे छोटे नाले हैं, बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं, और आप देख सकते हो बहुत से सैलानी इधर आते हैं घूमने के लिए। दोस्तों, हम जा रहे हैं मीन वाटिका में, जहाँ पे हमें मिलेंगी मछलियाँ। यहाँ पे बहुत ही रंग बिरंगी मछलियाँ हैं। देखो दोस्तों, छोटी छोटी मछलियाँ, ऑरेंज कलर की, वाइट कलर की। देखो दोस्तों, जो आप नदियों में देखते हैं मछलियाँ, वो आपको इधर दिखेंगी। और कुछ मछलियों ने तो कुछ ज़्यादा ही खा लिया है। देखो दोस्तों, इनसे तैरा भी नहीं जा रहा है। दोस्तों ये देखो, अलग अलग प्रकार की मछलियाँ। और अब आगे चल के हमें फिराना मछलियाँ भी नज़र आएंगी, जो कि बहुत ही खतरनाक होती हैं। और देखो दोस्तों, झुंड के झुंड देखो कैसे लाइन में लगे हुए हैं, अलग अलग फैमिली की मछलियाँ। और हमारी मैडम जी भी मछलियाँ दिखाती हूँ यहाँ पे। और ये मछली तो दोस्तों सबसे अलग है, देखो इनका सिर कितना बड़ा है। शायद ही आपने ऐसी मछली देखी हो कभी, आपने ज़्यादातर आपने टीवी में ही देखी होंगी। कितनी प्यारी प्यारी मछलियाँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर। देखो दोस्तों, ये मछली दोस्तों कुछ खाने के लिए ढूंढ रही है। बहुत ही सुंदर सुंदर मछलियाँ दोस्तों, इतनी सारी मछलियाँ आप। दोस्तों, तुम्हारा भाई अब शक्तिमान बनेगा और पत्थर पे चढ़ेगा। तो हम चढ़ चुके हैं अब पत्थर पे। दोस्तों देखिए, बहुत ही बड़ा पत्थर और हम सबसे ऊपर, और इतनी हाइट पे मैं फोटो शूट करवा रहा हूँ। देखो देखो दोस्तों, थोड़ा डर भी लग रहा है, पर फिर भी मैं थोड़ा हिम्मत करके चढ़ गया हूँ। दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा मजाक? कभी कभी मजाक भी करना चाहिए, सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और आपको भी थोड़ा फन दिखाना चाहता था, इसलिए थोड़ा मजाक किया। और थोड़ा सा हम बातचीत करते हुए दोस्तों, और हम जा रहे हैं आगे, जहाँ पे हमें दो आर्मी मैन खड़े मिलेंगे। और ये सुंदर सा डस्टबिन, जहाँ पे अंकल जी बैठे हुए हैं पत्थर पे, फ़ोन चला रहे हैं। तो
तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं शहीद सौरभ कालिया जी के स्मारक पे। इनकी याद में ही ये सौरभ वन विहार बनाया गया है। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे कुछ फोटोशूट भी करवाया। यहाँ पे बैठने के लिए, आराम करने के लिए बनाया हुआ है दोस्तों। ज़्यादा धूप या बारिश के मौसम में आप इधर बैठ सकते हैं। थोड़े बुजुर्ग या जिनसे थोड़ा चला नहीं जाता है ज़्यादा, वो यहाँ पे बैठ के आराम कर सकते हैं। और हम आ चुके हैं यहाँ पे। ये दोस्तों थोड़ा फन टाइम था। यहाँ पे 15 साल के कम बच्चे ही चढ़ सकते थे, तो मैं ऐसे ही थोड़ा कोशिश कर रहा था। थोड़ा डर लगने के कारण मेरे को यहाँ से छलांग लगाना पड़ी, वापस मेरे को अपने पैर पीछे मोड़ना पड़े। तो दोस्तों हम करेंगे अभी बोटिंग, तो हम जाते हुए आगे के रास्ते जहाँ पे बहुत ही सुंदर दृश्य है, और हमें तो ऐसा लग रहा था कि हम जन्नत में पहुँच चुके हैं। देखो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। देखो दोस्तों लोग घूमने के लिए आए हुए हैं और नज़ारा लेते हुए यहाँ की खूबसूरत वादियों का। यहाँ पे आसपास पूरे पहाड़ हैं और बीच में ये सुंदर नज़ारा, और हमारी मैडम इशारा करती हुई। देखो दोस्तों यहाँ से पंजाब से बहुत ही सैलानी आते हैं घूमने के लिए। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ दोस्तों। अभी गर्मियों में भी यहाँ पे बर्फ दिख रही है ऊपर पहाड़ों पे, और हमारी मैडम सोचते हुए कि जाऊँ या ना जाऊँ बोटिंग के लिए। फिर भी मैंने मैडम को मना ही लिया, थोड़ा ये डरती भी है। तो हमारी टिकट दोस्तों 50 रुपये पर पर्सन लगी, और बहुत ही सही यहाँ की लोकेशन और यहाँ का जो स्टाफ है वो भी बहुत अच्छा है। और हम नज़ारा लेते हुए बोटिंग का, एक तरह से ये एक्सरसाइज भी है और मज़ा भी दोनों एक साथ। और बहुत ही सुंदर झरना, सुंदर सुंदर पहाड़ों के बीच दोस्तों प्यारे प्यारे बादल, और यहाँ कभी भी बारिश हो जाती है, और बहुत ही ठंडा ठंडा मौसम है। पूरा नज़ारा लेते हुए दोस्तों आप भी आइए, हिमाचल घूमिए, बहुत ही सुंदर है, और यहाँ के मज़े लीजिए। दोस्तों हम पूरा मज़ा करते हुए नदी में थोड़ा फन भी करते हुए, और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चलती हुई। तो दोस्तों ये वीडियो का एंडिंग पार्ट है, तो मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगा कि हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें दोस्तों, ताकि हम भी थोड़ा ग्रो करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।